तिहाड़ जेल ना सिर्फ देश की बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है। कहते हैं इसी तिहाड़ में देश के सबसे खूंखार कैदी बंद है। इन कैदियों में खतरनाक आतंकियों से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन और कई कुख्यात गैंगस्टर तक शामिल है। अब जब ये जेल इतने खतरनाक कैदियों का ठिकाना है तो फिर इसकी सिक्योरिटी भी उतनी तगड़ी होनी चाहिए। लेकिन मामा इन दिनों तिहाड़ की ये सुरक्षा सिर्फ कागजों पर ही नजर आती है। कैदियों के बीच गैंगवॉर, कत्ल, नशे की बरामदगी से लेकर रिश्वतखोरी तक तिहाड़ के मत्थे पर एक नहीं सैकड़ों कलंक है। आज की इस एपिसोड को हमने टाइटल दिया है कि तिहाड़ में किसकी चलती है, अपराधियों की या फिर कानून प्रशासन की। ये टाइटल देने के पीछे भी एक वजह है। तिहाड़ जेल के अंदर हकीकत में क्या हो रहा है ये जानने के लिए अपन ने कई मीडिया चैनलों की रिपोर्ट, कई नामी लोगों के इंटरव्यू, तिहाड़ से जुड़े तमाम और पुराने केस अपन ने खंगाले। इतना रिसर्च करने के बाद अपन समझ गए कि हकीकत में तिहाड़ में किसकी चलती हैं, जो आगे हम आपको बताएंगे। तिहाड़ जेल के अंदर से कैसे बड़े बड़े क्राइम सिंडिकेट ऑपरेट होते हैं, जेल की चार दीवारी के भीतर कैसे कत्ल हो जाते हैं, हाई सिक्योरिटी जोन के बावजूद कैसे नशीले पदार्थ और अंदर घुसते हैं, कैसे यहाँ ईमान बिकता है, कैसे राजनीतिक दबाव और पैसों के लालच में VIP ट्रीटमेंट दी जाती है, ये सारी बातें हम आपको आज के एपिसोड में बताने वाले हैं। तो मामा तैयार हो जाओ, भोकाल मचने वाला है। केम छो मजामा। अरे मामा, तिहाड़ एक ऐसा लफ्ज जिसके कानों में पड़ते हैं ऊंची ऊंची दीवारें, कटीले तार और हर तरफ मॉडर्न हथियार से लैस पुलिस वालों की घेराबंदी, ऐसी तस्वीर जहन में उभरती है जहाँ कोई नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? तो वजह ये है कि ये जगह इंसान से सांसों के बाद उसकी दूसरी सबसे कीमती चीज यानी उनकी आज़ादी छीन लेती है। वजह ये कि इस इमारत के अंदर रहने वाले लोग दुनियावी जिंदगी की छोटी बड़ी सुविधाओं और कई बार बुनियादी जरूरतों तक से महरूम रह जाते हैं। बाकी दुनिया से यहाँ अलग जिंदगी होने का कारण ये कि यहाँ देश के एक से बढ़कर एक छटे हुए और खूंखार बदमाश रहते हैं। और वजह ये कि यहाँ एक बार जाने पर बदनामी ताउम्र इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। अरे काके, तब आप सोच रहे होंगे क्या वाकई में तिहाड़ ऐसी है? क्या एक जेल की सुरक्षा, वहाँ मौजूद पाबंदी, वहाँ की शक्ति, वहाँ के कायदे कानून वैसे ही हैं जैसे कि कहा जाता है? क्या वाकई में तिहाड़ पर ये जुमला फिट बैठता है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता? या फिर तिहाड़ का सच कुछ और है और उस सच में तमाम कायदे कानून पर करारे करारे हरे और गुलाबी नोट भारी पड़ जाते हैं? क्या वाकई में VIP और रसूख वाले लोगों के सामने इस जेल की सलाखें छोटी पड़ जाती हैं? क्या वाकई में तिहाड़ में ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ पैसों का सिस्टम चलता है? तो सुनो मामा, तिहाड़ को करीब से जानने वाले लोगों की माने तो हालिया समय में इस जेल का हाल कुछ ऐसा ही है। जानकार बताते हैं कि तिहाड़ इस वक्त अगर वहाँ रहने वाले करीब 18,000 कैदी और देश के 30 से छोटे बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के सरगना और उनके गुर्गे, आतंकी और बदमाशों को मैनेज करने की चुनौती से रोजाना जूझ रहा है। भ्रष्टाचार के आगे रोज मलिन पड़ती अपनी छवि को छिपाती तिहाड़, जहाँ तिहाड़ को लेकर ये धारणा तेजी से बनने लगी है कि ये जेल अब जेल ना रही, एक मजाक बन गई है। छटे हुए बदमाशों के लिए तो मानो ये एक अड्डा बन गई है। इस जेल में एक दो नहीं, कई ऐसे गैंग के सरगना बंद है जिनकी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में फैली है। तिहाड़ जेल से ऑपरेट होने वाले इस गैंग के सरगना अपने गुर्गों के जरिए बड़ी हस्तियां, बिल्डर, बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर और काली कमाई करने वाले लोगों को टारगेट करते हैं। सबसे पहले टारगेट को दूसरे लोगों की हत्या की वीडियो दिखाई जाती है। इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। डर का माहौल बनाने के बाद इन गैंगस्टर के गुर्गे उस व्यक्ति से उसकी हैसियत के हिसाब से रंगदारी की मांग करते हैं। ये रकम लाखों करोड़ों में होती है। जो नहीं देता है उसे इनके शूटर मौत की नींद सुला देते हैं। कई बार डराने के लिए जानलेवा हमला भी कराते हैं। लाख शक्ति के बावजूद गैंगस्टर जेल के अंदर किसी न किसी तरह से मोबाइल का जुगाड़ कर ही लेते हैं। एक बार मोबाइल हाथ में आ जाए तो उनका सारा काम आसान हो जाता है। ज्यादातर गैंगस्टर टेक्नोलॉजी के जानकार है, वह आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना बेहतर तरीके से जानते हैं। मोबाइल के जरिए वह एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। दिल्ली पुलिस के एक बड़े अफसर की माने तो यह गैंगस्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम
व्हाट्सएप का इस्तेमाल अपने मैसेज भेजने के लिए करते हैं। इनके जरिए अपने गुर्गों को निर्देश भेजते हैं। पैसों की लेन देन के लिए पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर गैंग्स वारदात को अंजाम देने के लिए नाबालिग लड़कों का इस्तेमाल करता है। इनके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लड़के नए होते हैं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता। ऐसे में वारदात को अंजाम देकर ये आसानी से भाग निकलते हैं। दूसरा, पकड़े जाने के बाद भी इन्हें बाल सुधार गृह में डाल दिया जाता है, जहां से बालिक होकर छूट जाते हैं। तीसरा, इनको एप्स के जरिए सुपारी दी जाती है। ऐसे में पकड़े जाने के बाद ये लोग किसी का नाम भी नहीं बता पाते। ऐसे में गैंग्स के लीडर को फंसने की संभावना कम रहती है। आजकल कम उम्र के छोकरे अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए अपराध के दलदल में उतर जाते हैं। ये लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। अरे मामा, दिल्ली की तिहाड़ जेल को दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है, जो भारत की सबसे सुरक्षित जेल में से एक है। बताया जाता है यहाँ 18,000 से अधिक अपराधी एक साथ रहते हैं। यह भारत की सबसे सिक्योर जेल में से एक है, जहाँ बड़ी संख्या में हाई प्रोफाइल कैदी रहते हैं। इस जेल को इसके सुधारात्मक उपायों और उन्नत सुरक्षा प्रणाली के कारण एक मॉडल जेल के रूप में भी माना जाता है। इनमें CCTV कैमरे से निगरानी, PMS, मोबाइल जैमर, एक्सरे स्कैनर, मेटल डिटेक्टर और क्विक रिएक्शन टीम शामिल है। इसके बावजूद इस जेल में कैदियों की हत्या हो जाती है। टिल्लू ताजपुरिया, प्रिंस देवतिया से लेकर कई ऐसे छोटे बड़े गैंगस्टरों की इस जेल में निर्मम हत्या हुई है। जेल में हत्या करने या अपने विरोधी गैंग को टारगेट करने यहाँ बंद कैदी ऐसे हथियार बनाने में माहिर होते हैं, जिससे किसी भी इंसान को चंद सेकंड में मौत के घाट उतारा जा सकता है। पंखे की पत्तियों से धारदार हथियार बनाना, विंडो में लगी जाली को काट कर उससे नुकीले हथियार बनाना, दीवार में सेंध कर उससे ईंट निकालना, किचन में यूज होने वाले चम्मच को चुरा कर उससे हथियार बनाना, एक माले से दूसरे माले जाने के लिए चद्दर से रस्सी बनाना, इन सब में यहाँ के कैदी खूब माहिर होते हैं। चाहे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर फायरिंग हो या फिर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है। मूसेवाला की हत्या की साजिश इस गैंग के सरगना लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली की तिहाड़ जेल से रची थी। उसके इशारे कनाडा में बैठे उसके दोस्त गोल्डी बराड ने मूसेवाला की हत्या करवाई। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन तिहाड़ से लॉरेंस बिश्नोई का पुराना नाता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ज्यादातर गुर्गे इसी जेल में रहे हैं। और यहीं रहकर धमकी देना, फिरौती वसूलना, हत्याएं करवाना ऐसे संगीन अपराध यह गैंग करता है। इसी तिहाड़ में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई ने 2021 में उत्तर भारत के सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट का गठन किया था। इस गैंग का सरगना है नीरज सहरावत, जो दिल्ली के बवाना शहर का रहने वाला है। जुर्म की दुनिया में नीरज बवाना पिछले 2 दशक से सक्रिय है और 2015 से लगातार तिहाड़ जेल में बंद है। और इसी जेल के हाई रिस्क वाले सेल में रहकर नीरज बवाना पूरे राजधानी को कंट्रोल करता है। नीरज बवाना के इजारे उनके गुर्गे सड़कों पर खून बहाने से बाज नहीं आते। एक बार तिहाड़ में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को खल्लास करने नीरज बवाना ने सुपारी ली थी, तब पूरे तिहाड़ में हड़कंप मच गया था। बताया तो ये भी जाता है, नीरज बवानिया गैंग से जुड़े ज्यादातर गुर्गी दिल्ली की तिहाड़ मंडोली और रोहिणी जेल में रहते हैं, इसलिए तिहाड़ जेल को नीरज बवानिया गैंग का अड्डा भी कहा जाता है। काला जठेड़ी उर्फ संदीप इस गैंगस्टर का अपना अलग गिरोह है, जो फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ गठजोड़ कर पूरे दिल्ली और हरियाणा को कंट्रोल करता है। हाल ही में काला जठेड़ी तब सुर्खियों में आया था जब उसने पुलिस कस्टडी में रहते हुए लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से शादी की। अरे मामा, लोग बताते हैं काला जठेड़ी इस वक्त हरियाणा का सबसे बड़ा गैंगस्टर है और तिहाड़ जेल में रहकर अपना गैंग ऑपरेट करता है। ऐसे कई गैंग्स और उनके सरगना तिहाड़ में रहकर अपना गैंग ऑपरेट करते हैं, जिनमें क्रांति गैंग, गोगी गैंग, टिल्लू गैंग, हासिम बाबा गैंग, छनू पहलवान गैंग, नासिर गैंग, ये सारे गिरोह तिहाड़ से ऑपरेट होते हैं। तो अब आप ही बताओ तिहाड़ में किसकी चलती है, कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।